पल्लवी ध्यान से देख इस लड़की को। अरे ये लड़की मल्हार की बहन है, चोर है ये चोर। आज के बाद अपना कीमती सामान ना ताला लगाकर बंद करके रखना। क्या कहा आपने? अगर मुझे चोरी करनी होगी ना तो ताला चाबी भी नहीं रोक पाएंगे, समझे आप? चोरा 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 ये क्या कर तुम? चोरा रिलैक्स, चोरा चोरा चोरा। मेरे मामले से ना दूर ही रहा करो तुम। सोरा बहुत हो गया, क्या पुट्टी की मर चाहिए फिर से? बहनी से ऐसे बात करते? आओ बाप जी, साहुद्याना आपको तो पता है ना ये कैसी है। जीवन लड़की पर हाथ नहीं उठाते, उसके पैर छूकर उससे माफी मांगो। पैर तो उसे मेरे छूने चाहिए, बड़ी हूँ मैं, और मैं इस बच्चे के पैर छूंगी क्या? तुम मेरे पैर छू सकती हो, वही नहीं? स्वरा बस इतनी सी बात? स्वरा ये तो तुमने बहुत छोटा काम दे दिया मुझे, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे घर में रुकने की वजह से मल्हार जी के दिल को जो खुशी मिलेगी ना ये सिर्फ मैं जानती हूँ, और मल्हार जी की खुशी के लिए ये तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। लेकिन हाँ देखो, वही नहीं हूँ मैं तुम्हारी, तो बदले में मैं भी कुछ मांगूंगी। क्या? डरो मत, ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगी। मैं किसी से नहीं डरती, जो मांगना है मांग लो। पक्का? सोच लो। सोच लिया तो ठीक है। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे वही नहीं हूँ ना मैं तुम्हारी, तो तुम्हें गले भी नहीं लगा सकती क्या मैं? लेकिन हाँ मुझसे ज्यादा तुम्हें गले लगाने के लिए ना कोई और उतावले हो रहे हैं, और हक भी उनका ज्यादा है ना मल्हार जी? यही मांगना है मुझे तुमसे। स्वरा तुम अपने दादा से इतने सालों बाद मिल रही हो, उन्हें प्यार से गले भी नहीं लगाओगी क्या तुम? देखो स्वरा तुमने मेरा प्रॉमिस किया और आई, वादे तोड़े नहीं जाते ना। बागवा रब है, बागवा बागवा रब है।
चलिए दादा, आप लोगों को आपका कमरा दिखा देता हूं। सबको सबको मोक्ष की तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। हाँ लॉटरी लग गई। हाँ पहले तो सिर्फ आई बाबा थे खेलने के लिए, अभी कौन कौन है? अजोबा, आजी, आई, काका, सब कुछ है। मजे आ गए, मजे आ गए। हाँ मजे आ गए। यस यस यस। आपको पहले कभी इतना खिलखिलाते हुए नहीं देखा मल्हार जी। क्यों आप अपनी ये क्यूट सी स्माइल हमेशा छुपा के रखते थे? हमेशा अपने इमोशंस को एक डब्बे के अंदर बंद करके रखा है आपने। पता है कितने क्यूट लग रहे हैं आप। आज आप में और पहलू में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। कल्याणी मैं इतना खुश ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। समझ लो कि जैसे एटीएम मशीन खराब हो गई हो। एटीएम? मेरा मतलब है कि जैसे इंसान एटीएम मशीन से पैसे निकालने गया हो और उसको 500 रुपए निकालने हो, लेकिन मशीन खराब हो गई और गलती से 10,000 रुपए निकल आए हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता है ना। तेरे बाबा पागल हो गए। पहले तो आई पागल थी, अब बाबा भी पागल हो गए। दोनों पागल हो गए, है ना? आजा 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 मोक्ष, इधर बैठ जा। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। कुछ महसूस हुआ? वही एक्साइटमेंट जो आपके अंदर है, उस सेम एक्साइटमेंट मैं भी महसूस कर रही हूँ मल्हार जी। आपको लफ्जों में बयान करने की जरूरत नहीं है। आपके बिना कुछ कहे मैं ऐसे ही आपकी सारी बातें महसूस कर सकती हूँ। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं कल्याणी। क्या हुआ मल्हार जी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्वरा को चोरी की बीमारी कहां से लगी। मतलब बहुत बुरी बीमारी होती है। एक मिनट, स्वरा ने जानबूझ के चोरी करी है क्योंकि वो चाहती थी कि पुलिस उसको गिरफ्तार करे। लेकिन क्यों? मुझे पता है क्यों। किक के लिए। किक? हाँ, भाईजान की मूवी किक नहीं देखी आपने? तुम्हारा कोई भाई भी है जो फिल्मों में है कल्याणी? ओफ, मलाजी में सलमान खान, भाईजान, उनकी मूवी किक की बात कर रही हूँ। मोक्ष, मैं नहीं हूँ पागल, मैं ठीक हूँ। तेरी आई अभी भी पागल है। ओह एक्सक्यूज मी, मैं उसको सच बता। अरे कुछ नहीं है, आपको फिल्मों की नॉलेज नहीं है और मुझे है। इस बात से आप ज्यादा जेलस है, इसलिए आप ऐसा कहते हैं। अच्छा, लेकिन मैं कह रही हूँ ना, फिल्मों से बहुत आइडियाज मिलते हैं मल्हार जी। जैसे मुझे ये बात पता चल गई, जैसे सलमान खान उस मूवी में चोरी से विषय करता था क्योंकि उसे किक मिलती थी। और ये स्वरा वाली बात मैं कह रही हूँ आपसे, स्वरा ना चोरी सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसे उससे किक मिलती है। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप है ना उसके साथ, उसका ध्यान रखने के लिए, उसको समझाने के लिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा वैसे मैं पूछ रही थी, बचपन में स्वरा को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद था? इमली। तुम्हें पता है हम बचपन में कितनी इमली खाते थे? मतलब चटखारे मार मार के। चुराकर भी खाते थे कभी कभी। सीरियसली? चुराकर? ठीक है छोड़िए, डन। आज मैं उसके लिए इमली लेकर आऊंगी। दादा मल्हार को नहीं पता कि मैं जानता था कि आप जिंदा हैं। आपके आने की खुशी है लेकिन चिंता भी है। कहीं यहां आके आपने कोई गलती तो नहीं की? तो हम क्या करते सार्थक?
उस हादसे के बाद हम कहां जाते? वह हादसा हमारे परिवार का सबसे बड़ा राज है और उस बात को राज ही रहना होगा। दादा लेकिन स्वरा कुछ नहीं बोलेगी सार्थक। चिंता बस इस बात की है कि उसकी हरकतों की वजह से सबकी नजरें हमेशा हमारे परिवार पर रहेगी और हमें किसी भी तरह इस बात को मल्हार से और देशमुख परिवार से छुपा कर रखना होगा। सार्थक, तुम्हें हमारे लिए इतना तो करना ही होगा। आई एम श्योर जब स्वरा को पता चलेगा कि मल्हार जी को अब भी याद है कि वो दोनों दुकान से चुरा कर इमली खाते थे, मुझे पता है उसके दिल में उसके दादा के लिए फिर से प्यार जग जाएगा। वाह, सच में इमली खाने का ना अलग ही मजा है। हॉर्न क्यों नहीं काम कर रहा? कल्याणे तुम ठीक हो? अहिर दादा उठिए। भगवान, आए हुए दो दिन हुए नहीं और ये हादसा। मल्हार जी, एम्बुलेंस एम्बुलेंस को फोन करिए। हाँ, एम्बुलेंस बुलाता हूँ। ऐसी आवाज निकाल दी ना एम्बुलेंस, ऐसी निकालती ना, सेम टू सेम। अरे मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि तुम दोनों को मेरी एक्टिंग कैसी लगी। By God, क्या एक्टिंग करता है मैं? अवार्ड मिलना चाहिए ना मेरे को, है ना? दिला दिया ना तुम दोनों को, ये मजाक का टाइम है, हाँ? लग जाती तो दुए क्या घुमा के जाओ। अरे मतलब बड़ा भाई मिल गया तो मेरे को हर रोज मार पड़ेगी क्या? अरे हीरो है मैं, रिस्पेक्ट मी। नहीं नहीं दादा, महाराज जी शांत हो जाइए ना। नहीं कुछ नहीं बोलेंगे। वैसे दादा एक बात कहूँ आपको, महाराज जी को ना ज्यादा एक्टिंग वैक्टिंग की नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे क्योंकि मैं बहुत मूवीज बहुत सीरियस देखती हूँ मैं, और आपने क्या एक्टिंग की है। अरे मैं तो आपकी एक्टिंग की फैन हो गई, फैन। थैंक यू मैन। कोई जरूरत नहीं है बढ़ावा देने की इन चीजों को। बढ़ावा कहाँ महाराज जी, अब दादा ने मेरी जान बचाई है तो उन्हें सपोर्ट तो करूंगी ना, और वैसे भी उन्होंने ना सच में बहुत अच्छी एक्टिंग की। देखा ना वही नहीं तुमने, कैसे मैं एकदम स्लो मोशन में आया और यू ऐसा वैन के सामने जंप मारा है और तुम्हारी जान बचाया। वो एकदम वो क्या नाम है, वो एक्टर माफिक अपना टाइगर श्रॉफ, एकदम हीरो माफिक। फिर दादा तुमको ना वीडियो बनाना चाहिए था, यही रह गया मेरी जिंदगी में अब। अरे मल्हार जी दादा सही कह रहे, आप हमारा वीडियो बनाते फिर हम लोग सोशल मीडिया पे डालते और मैं हमारा वीडियो वायरल हो जाता। हाँ देखो ये बढ़ रहा है मुझे वायरल, तुम दोनों की हरकतें देख। खैर अब तुम ठीक तो हो ना? हाँ। कल्याणी की जान बचाने के लिए थैंक यू। अरे पर वही नहीं, तुम्हारी ये सारी इमली तो गिर गई है, अभी तुमको फिर से खरीदनी पड़ेगी। हाँ लेकिन कोई बात नहीं ना,
मल्हार जी और स्वरा के बीच आइस ब्रेक करने के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। दोबारा इमली खरीद लूंगी मैं, हम तीनों चलते हैं। ये तो मल्हार के माँ की तस्वीर है ना? शंभर टक्के। बाप जी हमेशा इस तस्वीर को अपने साथ ही रखते हैं, लेकिन जब पता चला कि ताई इस दुनिया में नहीं है तो बाप जी ने कहा कि इस तस्वीर को भगवान जी के साथ मंदिर में रख दिया जाए। पता है जब से आपको देखा है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि हम पहले भी कभी मिल चुके हैं। मैं कभी आपके घर साड़ी की डिलीवरी करने आई थी? साड़ी? आपका साड़ियां बनाने का व्यवसाय है? हाँ। अच्छा, नहीं मैं तो हमेशा दुकान से ही साड़ी लेती हूँ। शंभर टके मैंने आज तक कभी साड़ी का ऑर्डर नहीं किया। पता नहीं फिर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आपको मैंने कहीं देखा है। ठीक है, एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। 26 जुलाई की रात को जो औरत हमसे मिलने आई थी वो और कोई नहीं अनुप्रिया है। क्या? हाँ। कौन है? वो बुआ। खबरदार जो मुझे बुआ कहा। आप मेरे साथ खेलो, आप बॉल मारना, मैं गोलकीपर बनता हूँ। मुझे नहीं खेलने। आप तो मुझे नहीं खेलना, तुम जाओ। तो मेरे साथ कौन खेलेगा? तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। नहीं मैं मेरे को आज तक अब शांति शांत। अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी ना अच्छे से, और अच्छे से भी बात करूंगी। अब खुश? स्वरा क्या कर रही है? क्यों, क्या हुआ? मैं तो गले लगा रही थी। गले नहीं लगा सकती? कोई पुरानी बात याद आ गई क्या आपको? स्वरा ये सब करके तुम मल्हार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हो? क्या लगता है तुम्हें मल्हार तुम जैसी लड़की पर भरोसा कर पाएगा? वैसे भी मुझे उनसे कोई भी उम्मीद नहीं है। ये उम्मीद तो मैं बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ। ये राणे परिवार से कोई भी उम्मीद रखना बेवकूफी है मेरे लिए। स्वरा काका, क्या हुआ काका? सब ठीक है ना? स्वरा, ये तुम्हारे लिए मल्हार जी ने भेजा है। उन्हें अब भी याद कि तुम्हें बचपन में इमली बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने ये भेजा है। ये तो नीचे गिर गई, अब तो उसे फेंकना पड़ेगा। अब गिरी हुई इमली तो मैं खा नहीं सकती ना। स्वरा, कोई बात नहीं, चुके। तुम टीवी बहुत देखती हो ना? ये आदर्श बहू बनने का बहुत भूत सवार है ना तुम पे।
लेकिन ये जो तुम्हारे जो फालतू के ड्रामे है ना, इसमें मुझे मत घसीटो। तो जितना मुझसे दूर रहो उतना अच्छा। मेरे साथ कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी मत करना तुम।